नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंदम क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी लेकर आए हैं कि जो विद्यार्थी 10th पास करके 11th क्लास में आए हैं और खासकर 11th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है, कृषि विज्ञान सब्जेक्ट लिया है, तो उन विद्यार्थियों के लिए श्री गोविंदम क्लासेज सोमवार से मतलब कल से नए बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें आपको कम्प्लीटली स्टडी पैकेज मिलेगा। तो जो विद्यार्थी 11th में हैं उनको क्या क्या मिलने वाला है एक बार एक नजरिए में हम इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। बाकी कंप्लीट सिलेबस की वीडियो में मैं आपको बनाकर बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या है, आपके हर सब्जेक्ट में कितनी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उस सभी को आपको डिटेल में बताया जाएगा। बट अभी इस वीडियो के अंदर आपको बताते हैं कि नए बैच के अंदर जो विद्यार्थी 11th में हैं उनके लिए स्पेशली न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो जो विद्यार्थी 11th में है उनके लिए संपूर्ण कोर्स 2021 का स्टार्ट किया जा रहा है, साल भर का ये बैच चलेगा। साल भर के लिए आपको जो क्लासेज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जिसके अंतर्गत आपको सभी विषयों के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपकी जो भी सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री एग्रीकल्चर बायोलॉजी मेजर सब्जेक्ट और साथ में हिंदी इंग्लिश, तो सभी विषय जो हैं आपकी उन सभी विषयों के आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऐप के अंदर हमारा बैच बनेगा, उस बैच में डेली की वीडियो अपलोड होती रहती है। अब ऐप में कैसे पढ़ना है वो सारी चीजें आपको बताएंगे, तो वीडियो लेक्चर्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। सेकंड स्टेप में आपको जो वीडियो मिल रही हैं उसी प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे। सो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली हम यहाँ से नोट्स सेंड करेंगे, तो आप उनको वहां घर पे प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हैं। आप यदि अपने खुद के नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, आप अपने सेल्फ नोट्स भी बनाते हुए रहना। साथ में नोट्स जो है आपको कंप्लीट तीनों सब्जेक्टों के मिलेंगे, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट कवर की जाएगी, आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट कवर की जाएगी और आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट कवर की जाएगी। तो तीनों सब्जेक्टों के आपको नोट्स भी मिलेंगे और डेली इसकी क्लासेज होती हैं, डेली ऐप के अंदर क्लासेज अपलोड की जाएंगी, तो आपको उन क्लासों का जो हफ्ते भर में जितनी भी क्लासेज हमारी होती हैं उनका फिर संडे को टेस्ट हुआ करेगा। जैसा हमारा स्कूल में होता है कि हम जो भी पढ़ते हैं तो हमारा सैटरडे को या मंडे को क्या होता है, टेस्ट होता है, या कोचिंग संस्थानों पर यही होता है। तो हम जनरली ऑफलाइन में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यही पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये सारी सुविधा हैं आपको ऑनलाइन आपके घर तक पहुँचाई जा रही हैं, तो आपको सप्ताह भर तक इस प्रकार से रेगुलरली क्लासेज मिलेंगी और उसके साथ में आपको नोट्स भी मिलेंगे। और जब पूरा सप्ताह हो जाएगा तो वीकली टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है, तो उस संडे को टेस्ट हुआ करेगा। तीनों सब्जेक्टों का तीन पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे ऐप के अंदर, तो आपको सुबह सेंड कर दिए जाएंगे, शाम तक आपको उनको आंसर लिख के हमें भेजना है। जो आंसर आप आंसर की हमें लिख के भेजोगे हम उनको चेक करेंगे यहाँ पर, और चेक करके क्या गलती है जो भी आपकी मिस्टेक्स है आपको बताया जाएगा। उसके बाद जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज आपको मिलेगी। जब हमारा कोर्स हो जाएगा उसके बाद आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब बात आती है कि आप ये ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, किस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज हम सारी वीडियो यहाँ पे डालते हैं, और 11th क्लास की जो कोर्स की जो वीडियो है खासकर जो सारी वीडियो अपलोड की जाएंगी ऐप के अंदर अपलोड की जाएंगी, तो आपको प्ले स्टोर पे सबसे पहले श्री गोविंदम क्लासेज टाइप करना है। जैसे ही प्ले स्टोर पे आप ये श्री गोविंदम क्लासेज टाइप करोगे वहां पे सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, तो श्री गोविंदम क्लासेज उदयपुर के नाम से आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी, यदि मेल आईडी आपकी अभी तक नहीं है तो आपके घर में बड़े भाई या बहन या पापा जी कोई की जिसकी भी मेल आईडी है वो मेल आईडी लगा के आप अपना नाम और नंबर वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई यहां से आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा, उसके बाद ही आपका नंबर वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आप ऐप डाउनलोड कर लिए जाओगे, आपकी आईडी ऐप के अंदर बन जाएगी। फिर आप चाहते हो कि मैं 11th क्लास के बैच में ज्वाइन होना चाहता हूं, तो आपको हमें उसमें लिखकर भेजना है ऐप के अंदर, या हमें व्हाट्सएप कर देना है हमारा जो नंबर है उस पर ज्वाइन 11th क्लास लिखकर सेंड करना है, ताकि हमें पता चले कि आप 11th क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको 11th क्लास के अंदर बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ओके, सो इसके लिए हमने बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम फीस रखी है, वो जब आप यहाँ पर जॉन 11th क्लास लिख के भेजेंगे हमारे यहाँ से आपको कॉल किया जाएगा, आपकी इंक्वायरी की जाएगी आप सही हैं
उसके बाद आपको डिटेल्स बताई जाएंगी कि आपको ऐप को कैसे यूज करना है, आपको ऐप के अंदर से किस प्रकार से वीडियो को देखना है, किस प्रकार से नोट्स को डाउनलोड करना है, पढ़ना है, वो सारी चीजें बताई जाएंगी और आपका एडमिशन यहाँ से दिला दिया जाएगा। ओके, सबसे कम फीस दरों में आपको यहाँ पर साल भर की 11th की क्लासेज जो है आपको प्रोवाइड कराई जाती है। सो यदि आप 11th क्लास में आए हैं तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जल्द ही 11th क्लास का बैच ज्वाइन कर लें, बिकॉज इसमें इस बैच के अंदर जो है वो लिमिटेड सीट है और लिमिटेड टाइम के लिए बैच ओपन रहेगा। जब एक सीमित सीटें हैं हम यहाँ पर रखते हैं, 100 या 150 सीटें एक बैच के अंदर रखते हैं, जैसे ही ऑनलाइन में वो सीटें फुल होती हैं हम उस बैच को क्लोज करते हैं। और ये 11th क्लास का हमारा फर्स्ट बैच है, तो जल्दी से जल्दी करें क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सरप्राइजली मिलने वाली हैं। आपको लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कम्प्लीटली मिलती हैं, वो साल भर तक आपको मिलती रहेंगी। ओके, इसी के साथ आपको एक बोनस चीज़ ये जाएगी, यदि आप फर्स्ट बैच के अंदर ऐड हो जाते हो तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच में ऐड हैं उनको साथ में हमारा जो जेट ICAR का जो कोर्स है BSc एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए जो कोर्स है, वो कोर्स का जो फ्री बैच है उसमें भी ऐड आपको कर दिया जाएगा। ये आपके लिए एक बोनस रहेगा, यदि आप फर्स्ट बैच में ऐड हो गए तो आपको साथ में BSc एग्रीकल्चर एग्जाम के उस फ्री बैच में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा। सो ये आपके लिए गुड और बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको छोड़ना मत, जानी नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, मेरी शुभकामना आप सभी के साथ हैं, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को शुरू करें।